सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अर्थशास्त्र विषय में पुनरावर्तन का क्लास चल रहा है और कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र विषय की हमने शुरुआत की थी। विषय के साथ आगे बढ़े उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ एक मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। प्रार्थना के बाद लेशन 7वां जो हम लोगों का चालू हुआ था भारतीय अर्थतंत्र, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें पढ़ने का प्रयत्न किया था। अंतिम मुद्दों के अंतर्गत हम लोग विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के जो लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में देखने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके दो लक्षण मैंने आपको अगले वीडियो के अंतर्गत बता दिए थे, जिसमें एक था आर्थिक वृद्धि का लक्षण और दूसरा जो लक्षण था वो था राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। आज मैं तीसरा लक्षण आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि जिसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले पेन उठाइएगा, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा कि देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र आप लोग लिख सकते हो कि कुल आय बटे में कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। दो मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा, भारत में प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर मापी जाती है। दूसरा तीसरा मुद्दा, पहला परिभाषा, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रति व्यक्ति आय भारत में स्थिर भाव पर मापी जाती है। और चौथा जो मुद्दा आपको बनाना है कि 1950-51 के अंतर्गत भारत की प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपये थी, जो बढ़कर 39,904 रुपये हो गए। ये आंकड़ों में जवाब हुए, पांच मुद्दे हुए। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करूँ तो 63 वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आय में लगभग 4.5 गुना जितनी वृद्धि भारत में दिखाई देती है, मतलब 4.5 गुना कदाचित MCQ उत्तर आप लोगों को पूछे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 62-63 वर्षों में कितने गुना बढ़ी, तो आपका उत्तर रहेगा कितना, 4.5 गुना, जिसमें वर्ष 1950-51 और 90-91 तक के समय में ध्यान केंद्रित करने पर हमें पता चलता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में 1.6% की वृद्धि हुई और 90-91 में लगभग वो 5.5% जितना प्रमाण हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई दिखाई देती है।
चौथा लक्षण है भारत का विकासशील अर्थतंत्र का रोजगार के क्षेत्र। तो चौथे लक्षण में रोजगार के क्षेत्र का पहला मुद्दा बनाओगे कि भारत में रोजगार के क्षेत्र मुख्य तीन भागों में बटे हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र लिखने के बाद उसके अंतर्गत आप लोगों को जो दसवीं में लिखते थे कि प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य कृषि और उसके साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति, पशुपालन, मुर्गी पालन, जंगल संपत्ति, मत्स्य पालन आदि का समावेश होता है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत तमाम औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति का समावेश होता है, जिसमें छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग वगैरह का, इसमें जहाजरानी उद्योग वगैरह का इसमें समावेश होता है। और तीसरा जो है वो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग इत्यादि सभी सेवाओं का समावेश इसके अंतर्गत हो जाता है। मतलब वापस चौथा लक्षण आपको अगर बताऊँ तो रोजगार के ढांचे के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या लिखना है कि रोजगार का क्षेत्र तीन भागों में बटा है, प्राथमिक, औद्योगिक और सेवा। प्राथमिक में इसका समावेश होता है, औद्योगिक में इसका समावेश होता है और सेवा में इसका समावेश होता है। और उसके बाद आगे का मुद्दा उसी में बनाना है कि प्राथमिक का 50-51 में योगदान, औद्योगिक का योगदान और सेवा क्षेत्र का योगदान। तो देखो आप लोगों को पेज नंबर 82 पर किताब के अंतर्गत 50-51 में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 72.1% था, 1990-91 में 66.9% हो गया, 2001 के अंतर्गत 56.7% हो गया और उसके बाद 2011-12 में 16.9% जितना हो गया। तो इसी के अंतर्गत आप लोग औद्योगिक क्षेत्र 10.6, 12.7, 18.1, 24.1 और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 17.3, 20.4, 25.2 और 26.9% जितना प्रमाण अलग अलग क्षेत्रों का उसमें पाया जाता है। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों का रोजगारी के अंतर्गत भी योगदान हम लोग विकासशील अर्थतंत्र के लक्षणों में लिख सकते हैं। मतलब आज का मुद्दा दो हुआ, एक तीसरा लक्षण हुआ प्रति व्यक्ति आय का, जिसके 5-6 मुद्दे बने, और दूसरा जो मुद्दा बना रोजगार के क्षेत्र, जिसके भी 5-6 मुद्दे बन गए। अब इसके अंतर्गत अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी पुनरावर्तन में हो तो आप मुझे फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।